चैनल स्ट्रीट फूड जायका में आपका स्वागत है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब? तो बताओ मैं आज क्या बनाने वाले हैं? आज बनाने वाली हूँ चिकन कड़ी, एकदम सिंपल और आसान तरीके में। जो बच्चों को खाना नहीं भी बनाने आता है ना, वो भी बना लेंगे। हाँ, वैसे तो हमारे चैनल में हर एक रेसिपी बहुत ही इजी तरीके से बनती है, ये तो आप लोग भी मानते होंगे ना। हाँ। तो आज जो हमें रेसिपी बनाने वाले हैं चिकन करी ना में। हाँ। तो ये तो अम्मी खुद बोल रहे कि ये बहुत इजी, यानी कि सबसे इजी चिकन करी आज बनने वाली है। जैसा बहुत कम टाइम रहता है ना, तो मैं भी ये बहुत बार घर में बनाती हूँ। हाँ, और जो बिगिनर लोग रहते हैं ना मेरे जैसे। हाँ। यानी कि जो खाना अभी अभी बनाना सीख रहे हैं, जिसको खाना बनाना नहीं आता, वो बहुत ही आसानी से ये रेसिपी बना लेगा। हाँ। तो चलो फिर नजर मारते हैं इंग्रेडिएंट्स पे कि चिकन करी बनाने के लिए अम्मी क्या क्या लेंगे। तो चलो, तो सबसे पहले लेंगे हम चिकन, प्याज, टमाटे, अदरक लहसुन का पेस्ट, कसूरी मेथी, शिमला मिर्ची, हरी मिर्ची, कोथमीर, ढेपली मिर्ची एक, और यह हमारे खड़े गरम मसाले, शाहजीरा, दालचीनी, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, काली मिरी, लौंग और एक फूल और थोड़े से तेज पत्ते। और यहाँ लेंगे हम चिकन मसाला फरहान का, और यहाँ पे लेंगे हम हमारी मिर्ची, हल्दी और धनिया पाउडर। तो चलो शुरू करते हैं बिस्मिल्लाह करके। तो सबसे पहले मैंने कढ़ाई चढ़ा दी हूँ इधर। अब क्या करेंगे हम, सबसे पहले तेल डाल देंगे। मैं 2 चम्मच तेल डालूंगी, आप लोग जितना डालना है आप अपने हिसाब से डालिए, ठीक है। अब हम रख देंगे इधर तेल को। अब हमारी कढ़ाई गर्म है तो तेल भी थोड़ा गर्म हो ही गया है। तो हम डाल देंगे इसमें हमारे खड़े गर्म मसाले, जैसा कि ये डाली मैंने शाहजीरा, एक दालचीनी का टुकड़ा, एक बड़ी इलायची, एक फूल और ये 2-3 हरी इलायची, 8-10 काली मिरी और 3 लौंग और ये 2 तेज पत्ते, ठीक है। इसको एक आधा मिनट कुछ अच्छे से भून लेंगे ताकि खुशबू आ जाए हमारे तेल में। तेल में खुशबू आने से पूरे सालन में खुशबू आ जाती है, ठीक है। इसके लिए इसको भूनना जरूरी है हल्का सा। डायरेक्ट इसको डालते बराबर अगर डाल देंगे ना तो खुशबू इसकी निखर के नहीं आती है। अब ये चट 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 करने लग गया है गरम मसाला। अब हम डालेंगे प्याज। तो ये प्याज मैंने ली हूँ 3 बड़े साइज के, कम से कम 1/2 किलो प्याज ली हूँ मैंने। हाँ, मेरे को बहुत सारे कमेंट आए थे अम्मी 1/2 किलो क्या होता है। हाँ आज बताए दो। 1/2 किलो यानी 250 ग्राम। 250 मतलब 250 ग्राम। और आधा किलो 500 ग्राम। और पौना, पौना किलो मतलब 750 ग्राम। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये प्याज को अच्छे से लाल कर लेंगे। अब प्याज मैंने इस तरीके से काटी हूँ, आप लंबे काटिए, बड़े काटिए, छोटे काटिए, आपके ऊपर है। आज मैंने भुर्जी बनाने के स्टाइल में आमलेट कट प्याज काटी, ठीक है। वैसे भी ये इजी रेसिपी है ना। बहुत इजी रेसिपी है, बहुत झटपट भी बनती है। अब हम प्याज लाल कर लेंगे। तो चलो मेरी प्याज हो गई लाल। अगर प्याज आपकी जल्दी लाल नहीं होए ना, तो उसमें चुटकी भर नमक डाल देने का, एकदम एक चुटकी भर, ऐसा थोड़ा सा चुटकी भर नमक डाल देंगे ना तो प्याज जल्दी लाल हो जाती है। जैसा कि आप नमक डालते हैं टमाटर डालने के बाद कि टमाटर गल जाए, उसी तरीके से प्याज लाल करने के टाइम पे एक चुटकी नमक डाल देंगे तो प्याज जल्दी लाल हो जाती है। अब हम डालेंगे इसमें 1 चम्मच अदरक लहसुन, ठीक है। अब डाल देंगे हमारी हरी मिर्ची भी। अब 10-20 सेकंड जरा भून लेंगे। अदरक लहसुन की खुशबू इतनी अच्छी आती है ना, मेरा तो दिल खुश हो जाता है जैसा मैं अदरक लहसुन डालती हूँ। हाँ, सबका थैंक यू। हाँ, बहुत बड़े वाला। मेरे कार्य को ना आप लोगों ने बहुत अच्छा, एकदम मेरा दिल खुश कर दिए कि आप लोगों ने उसको अच्छे कमेंट्स दिए। मैं तो सोच रही थी क्या मालूम कौन बनाएगा, कौन पिएगा, आजकल कहाँ किसी को इतना टाइम है, सिर्फ दवा खाना जाते हैं, दवा लाते हैं। लेकिन नहीं, मेरे बहुत सारे बच्चे लोगों ने कहा कि अम्मी हम भी बनाते हैं, हमारे अब्बा पीते हैं। मालूम पड़ा उससे बहुत लोग बनाते हैं। हाँ, चलो अब अदरक लहसुन हम थोड़ा सा भून लिए। अब हम डाल देंगे इसमें टमाटे। ये मैंने 3 बड़े टमाटे ली हूँ, लाल लाल अच्छे, ताकि हमारा
कलरफुल सालन बने अच्छा, कच्चे टमाटर नहीं लेना, ठीक है। अब हम इसमें थोड़ा सा नमक डाल के इसको भी थोड़ा सा गलने रख देंगे, क्योंकि हम डायरेक्ट अभी चिकन डालेंगे तो हमको टमाटर ज़रा मैश करने के लिए तकलीफ हो जाएगी, है ना, बोटी के आड़ में तकलीफ हो जाएगी। इसके लिए हम इसको थोड़ा सा नमक डाल के अभी एक 2 से 3 मिनट तक ढक के पका लेंगे। वैसे भी ये इजी रेसिपी है ना, देखो ना अभी आप लोग देखो ना पता चल जाएगा बहुत इजी रेसिपी है। तो चलो टमाटर डाल के मैंने 2 से 3 मिनट तक पका ली हूँ और एक बार ढक्कन हटा के हिलाई भी थी तो अच्छे से मेरे टमाटर पूरे गल चुके हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे हम इसमें डालेंगे चिकन। तो चिकन के अगर पीस आपके पास बड़े हैं तो बीच में से कट ज़रूर लगा देना, क्योंकि हम इसको कुकर में नहीं बना रहे तो गलना चाहिए, इस वजह से कट लगा लेना, ठीक है। और ये मेरा चिकन है 600 ग्राम यानी कि आधा किलो से 100 ग्राम ज़्यादा। इसको अच्छे से मिला लेंगे। अब हम डालेंगे इसमें थोड़े से मसाले। अब इसको पकने देंगे, इसका पानी सूखने देंगे जब तक हम मसाले डालते हैं, ठीक है। अब मैं डालूंगी इसमें 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, 1/2 चम्मच हल्दी, 1/2 चम्मच जीरा पाउडर और 1/2 ही चम्मच धनिया पाउडर और लाल मिर्ची भी 1/2 चम्मच, क्योंकि हमको इसमें चिकन मसाला डालना है। इसके लिए हमने धनिया जीरा मिर्ची सब 1/2 चम्मच डाले हैं ताकि हमारा चिकन ज़्यादा तेज़ ना हो जाए इसके लिए, ठीक है। अब हम इसमें डालेंगे हमारा चिकन मसाला। तो ये मैंने फिर से ली हूँ फरहान का चिकन मसाला, ठीक है, 45 रुपीस का। ये 1 किलो चिकन के लिए काफ़ी है, बहुत मस्त है इसका टेस्ट। तो मैं इसमें डाल रही हूँ 1.5 चम्मच, ठीक है। इसमें हल्का सा पानी डाल देंगे ताकि हमारा मसाला ना जले। वैसे भी बहुत इजी रेसिपी है ना, हो गया ना, अभी हमने सब डाल दिए ना, कोई भी डाल सकता है ये। इसमें ना मसाला पीसने का झंझट है ना कुछ है। अदरक लहसुन का पाउच भी मार्केट में पीसा पिसाया मिल जाता है, फरहान मसाला भी मार्केट में खरीद के ला लो वो भी मिल जाएगा, मिर्ची हल्दी धनिया ये तो घर में हर किसी के रहता है, इसके भी पाउच आते हैं। बताओ इसमें क्या पीसने का मैं मसाला डाली हूँ, कुछ भी नहीं डाली हूँ। फरहान मसाला नहीं मिला तो, फरहान मसाला नहीं मिला तो चिकन मसाला कोई भी कंपनी का मिल सकता है, मार्केट में चिकन मसाले बहुत सारे हैं, ज़रूरी नहीं आप फरहान मसाला लो, ठीक है। अब क्या करेंगे हम इसमें चिकन गलने के लिए थोड़ा सा पानी डाल देंगे। बहुत अच्छे से गलाना, जितना चिकन अच्छा गलेगा उतना ही सालन अच्छा लगेगा, ठीक है। तो मैं इसमें थोड़ा पानी और डाल रही हूँ, क्योंकि मैंने लेग पीस ली हूँ तो ये बड़ी बड़ी आ गई है। अगर आपके पास बोटी लेते आप बोनलेस छोटी छोटी पीस तो आप कम पानी डालेंगे तो भी गल जाएगा, लेकिन लेग पीस ज़रा गलने में टाइम लेती है अंदर तक, इसलिए, ठीक है। तो ये भी हमने सालन में सब कुछ डाल दिए है और नमक मैंने देखो टमाटर के टाइम पे भी डाली थी तो इसके लिए अपने हिसाब से नमक डालना। अब हम इसको रख देंगे 10 से 12 मिनट के लिए चिकन गलने के लिए, ठीक है। तो चलो 15 मिनट तक पकने दी हूँ मैंने पानी डाल के अच्छे से। तो माशाल्लाह अच्छे से चिकन भी गल गया है, खुशबू भी मस्त आ रही है और मेरा चिकन करी तैयार हो गई इस टाइम पे। अगर आप लोगों को इस टाइम पे अगर बंद करना है कोथमीर डाल के बंद कर देना, लेकिन मैं इसमें ऐड कर रही हूँ ये मेरी एक ढेपली मिर्ची, मुझे ये अच्छी लगती है खाने में, मैं इसको चबा के खाती हूँ पूरा, ठीक है। तो इसलिए मैं ये एक ऐड कर रही हूँ। अब डाल दूँगी मैं इसमें ये कसूरी मेथी, ये सब मैं डाल रही हूँ, आपके पास नहीं है तो आप नहीं भी डालेंगे तो चलेगा, ठीक है।
आप ये जो तीनों चीजें मैं अभी डाल रही हूँ ना, ये नहीं भी डालेंगे तो चलेगा। और ये शिमला मिर्ची, ये मैंने एक छोटी शिमला मिर्ची ली हूँ जिसके ऐसे चौकन चौकन टुकड़े करी हूँ। ये भी गोश्त के सालन में, चिकन के सालन में बहुत अच्छा टेस्ट देते हैं। ठीक है, इसको एकदम लास्ट मोमेंट पे डालने का जब हमको दम पे रखना है। तो अब ये सब चीज़ें मैंने डाली हूँ, अब मैं इसको 2 मिनट तक और पका लूँगी और बंद कर दूँगी। ठीक है, तो हम इसको अभी ढक के 2 मिनट तक पकने रखेंगे, थोड़ी सी कोथमीर के साथ बस। तो चलो 2 मिनट हो गए, तो अब हम देखते हैं हमारे सालन को, है ना, मस्त तैयार हो गया मेरा सालन। अब हम गैस बंद कर देंगे, नहीं तो हमारी शिमला मिर्ची ज़्यादा गल जाएगी। हमको क्रंची क्रंची चाहिए ना शिमला मिर्ची, देखो। तो दोस्तों तैयार हो गई अपनी चिकन करी, बहुत ही इजी रेसिपी है ना। मस्त लग रहा है भाई, सही में बहुत इजी है। हम क्या ये सालन में नहीं, मतलब क्या ये सालन में नहीं है जो दूसरे सालन में रहता है वो बताओ। हाँ, जैसा मसाले पीसने पड़ते हैं, हल्दी मिर्ची धनिया काजू बिजू खोपरा खचखच सब पीस के बनाओ, और एकदम मेजरमेंट रखो, दही रखो, बहुत कुछ रहता है इसमें। सिर्फ कांदे टमाटर की ग्रेवी है, बाकी कुछ नहीं। आधा आधा चम्मच देखे आपने मैंने डाली, अगर आप ना डालना चाहे तो वो भी मत डालो। सिर्फ चिकन के मसाले से भी बना सकते हैं ये, समझ गए। हाँ, जो बच्चों को नहीं आता है, चिकन मसाला लाओ, कांदा मसाला, कांदा टमाटर को अच्छे से गला लो, एक पाउच आता है अदरक लहसुन का पिसा हुआ, आप वो भी ला लो बस। और मैं बोल रहा था कि मैंने ना इसमें शिमला मिर्च भी ऐड की ली, और अपनी मिर्ची भाई दुनिया की एक ऐसी ही मिर्ची जो मैं खाता हूँ, मतलब दुनिया की सिर्फ वो एक ही मिर्ची जो मैं खाता हूँ और वो है ये। हाँ, तेज नहीं रहती है, चलो जायका अच्छा आता है, मस्त। ऐसी पल्टी कर लेगा क्या? चिकन लेग पीस, इसको तो लेग पीस मांगता ही मांगता। और सही में रेसिपी तो बहुत इजी थी बनाना, आप लोग भी। हाँ, कुछ इसमें है ही नहीं ऐसा ज्यादा। अगर आपको ज्यादातर अपने घर में ये बनती है ना, बनती है ना, फटाफट वाली डिश, शिमला मिर्च और वो मिर्ची नहीं डालते। लेकिन क्या जब ऊपर वीडियो बनता है ना, यानी आप लोगों के लिए, तो उसमें कुछ ना कुछ अलग से एडिशनल ट्विस्ट रहता ही है। शिमला मिर्ची में डालती हूँ गोश्त में, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। दूसरा सालन शिमला मिर्ची ना टच के लिए डालने का, ऐसा भर के नहीं डालने का, थोड़ा सा टच के लिए। और ये अपने पराठे, मजा आता भाई ये सालन पराठे से खाने। एक दिन है ना इंशाल्लाह शिमला मिर्ची की भाजी बनाऊंगी चिकन के साथ। और चिकन भी बहुत इजी बोलते हैं, एकदम मुलायम गला होता है। देखिए चिकन के साथ शिमला मिर्ची की भाजी बहुत अच्छी बनती है, वो भी सब्जी। किसी को चाहिए चिकन के साथ शिमला मिर्ची की भाजी तो कमेंट सेक्शन भर दो जाके। तीखा तो नहीं ना ग्रेवी, अब मैं खाऊंगा भाई शिमला मिर्ची भी लेने का, और थोड़ी ग्रेवी और थोड़ा सा चिकन का टुकड़ा। हाँ हाँ हाँ, ये लो। शिमला मिर्ची ना आधा कच्चा आधा पक्का है, हल्का से क्रिस्पी लग रहा है, ऐसा कुड़ कुड़ होता ना। उसको दम के टाइम पे डालने का, चिकन को ना थोड़ा ज्यादा गलाने का। चिकन लेग पीस, वो भी क्यों, क्योंकि लेग पीस पड़ते तो, अगर छोटी छोटी बोटी आप करके डाल रहे हो तो आपका झटपट बन जाएगा सालन, लेकिन अगर टांग वांग अगर डाल रहे हो तो उसके लिए अंदर तक गलना जरूरी है। इसलिए 20 मिनट तो कम से कम लेता है चिकन अंदर टांग गलने के लिए पूरा। मस्त है, है ना, जबरदस्त है। तो भाई इजी रेसिपी भी अच्छी और टेस्टी बन सकती है। हाँ। जैसे कि ये समझे, जैसा बहुत से बच्चे काम धंधे के लिए अपने औरत बच्चों को यहाँ छोड़ के दूर जाते, रहने के लिए अकेले रहते है ना, तो खाना पकाने में आती है दिक्कत, तो वो लोग भी ये बहुत आराम से चिकन ला के मस्त बना सकते हैं। मजा आ गया ना, चिकन भी मस्त गला ना, एकदम परफेक्ट। बहुत जल्दी जल्दी बनाना, झटपट वाली रेसिपी है, झटपट बनाओ, कभी भी बनाओ, कभी भी खाओ। हाँ। है ना। तो देखो भाई वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दो, और जो हमारे चैनल पे नया है जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कब सब्सक्राइब करोगे भाई बता दो, मैं नहीं बोलूंगा, अभी कर दो यार, प्लीज सब्सक्राइब कर दो, और जरा ये शेयर कर दो रेसिपी हमारी, बहुत इजी रेसिपी है। तो जो नए बच्चे हैं, यानी कि जो नवे लड़के लड़कियों भी बोल सकता हूँ, तो जो नया खाना बनाना सीख रहे हैं वो लोग को पहुंचा दो, ये रेसिपी बहुत इजी तरीके से बनी हुई है। अरे एक बच्ची तो कोई वीडियो नहीं छोड़ती है, कोई रेसिपी जब से मेरा वीडियो चालू हुआ ना चैनल, जब से कंटिन्यूस की रेसिपी आ रही है, बन के मैं आज बनाई कल परसों उसके वीडियो बन के आ जाएंगे।
फटाफट। वैसे तो बहुत लोग हैं, मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि सिर्फ वो अकेले ही बनाते, बहुत आते हैं। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी जाके फॉलो कर सकते हो, मैं वहाँ पे अपनी स्टोरी पे डालता हूँ जो जो मेरी रेसिपी बना के मुझे फोटोज भेजते ना, तो बहुत से लोग बना के भेजते। लेकिन जो ये एक है ना फरहा खान फरजाना, इनकी आईडी का नाम है। हाँ। तो यार ये ना हर एक रेसिपी है, शायद से ही मैं बोलूंगा कोई भी रेसिपी हमारी आज तक ना छुट्टी नहीं है। हाँ। एक भी रेसिपी नहीं, हर एक रेसिपी बनाते हैं तो मम्मी को बहुत अच्छा लगता है। रोज रोज इसके आते ही रहते फोटो। तो यार आप लोग भी बनाओ और मुझे इंस्टाग्राम पे फोटो भेजिए। और जिन्होंने अभी देखिए हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो नहीं किया है तो क्या करें, कुछ नहीं फॉलो करो, ठीक है। चलो फिर चलते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, दुआओं में याद रखना।